क्यों? बनाने दूध तो मैं तारिक रोड से अब लाऊंगा ना, बिस्मिल्ला। कौन है? मैं आ गया मामू। माइक म्यूट कर लो भाई।
Okay, assalamu alaikum everyone. I think we are good to start this session. And aaj ki class ke andar bachcho, the topic that we are going to start is one of the most important topic of paper 2. And we call this topic as text files. So, bachcho, agar aap logon ne ye topic ke andar aap log thoda sa expert ho gaye, आप लोग इस टॉपिक के अंदर थोड़ा सा प्रो हो गए, आप लोग इस टॉपिक के अंदर आप लोग इस टॉपिक के अंदर बच्चों अगर प्रो हो गए, अच्छे हो गए, तो बिलीव मी इट विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल टू स्कोर अ गुड ग्रेड इन एस लेवल कंप्यूटर साइंस. पेपर वन हो जाता है थ्योरी है, पेपर टू के अंदर बच्चों दिस इज द टॉपिक सूडो कोड्स तक करते हैं, और ये मेजर टॉपिक है सूडो कोड्स का. एंड मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इस टॉपिक के साथ साथ मैं आप लोग को सारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी क्या करवाऊंगा, रिकॉल करवाऊंगा, रिवाइज करवाऊंगा. वी आर नॉट गोइंग टू रश, सकून से आराम से अब हम लोग 2 हफ्ते 2.5 वीक्स टेक्स्ट फाइल्स के ऊपर बात करेंगे, पासवर्ड्स करेंगे, जितने भी मुश्किल क्वेश्चन आए मैं सारे क्लास के अंदर ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. स्टार्ट करते हैं. तो बच्चों व्हेन वी टॉक अबाउट द टेक्स्ट फाइल्स सो देखिए, अगर मुझे डाटा स्टोर करना है ना, तो आई कैन स्टोर डाटा इन एरेज, इन वेरिएबल्स, इन कॉन्स्टेंट्स. व्हाई आई गो फॉर स्टोरिंग डाटा इन अ टेक्स्ट फाइल? हम टेक्स्ट फाइल के साथ, मतलब टेक्स्ट फाइल में मैं डाटा स्टोर करने क्यों जाऊंगा? मेरे पास एरे का ऑप्शन है, 1D एरे, 2D एरे, मेरे पास और भी अदर ऑप्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं, बट मैं डाटा स्टोर करता हूं बच्चों टेक्स्ट फाइल्स के अंदर. एनी पर्टिकुलर रीजन? एनीवन? कोई ऐसी कोई यूजर फ्रेंडली? ठीक है, तो बच्चों अब मैं आगे आप लोग से कोई मशवरा नहीं मांगूंगा. तो मैंने यहाँ पे बता दिया बच्चों, वी गो फॉर टेक्स्ट फाइल बिकॉज टेक्स्ट फाइल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा परमानेंटली. सो दैट्स द मेन पॉइंट. देखिए, एरे में डेटा स्टोर करेंगे, आपका डेटा टेम्पररी है,
प्रोग्राम बंद, डाटा गॉन, वेरिएबल में डाटा स्टोर करेंगे, आपका डाटा टेम्पररी है, प्रोग्राम क्लोज, डाटा गॉन, बट इफ यू स्टोर डाटा इन अ टेक्स्ट फाइल दैट डाटा इज परमानेंट। ओके, अब बच्चों अब मैं आप लोगों को बेसिक फॉर्मेट सिखाऊंगा कि हाउ टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल। मैंने आप लोगों को बताया द कीवर्ड इज ओपन, ओपन फाइल, द कीवर्ड इज ओपन फाइल, एंड यहां पे आप लोग का फाइल का नाम आ जाता है। लेट्स से द नेम ऑफ द फाइल वॉज ASTC.txt, एंड देन आप लोग लिखते हैं बच्चों फॉर राइट। सो अब जरा इस सेंटेक्स को एक्सप्लेन करता हूं मैं यहां पे कि व्हाट आई हैव डन ओवर हियर। सबसे पहले ओपन फाइल, सो दिस ओपन फाइल मींस दिस इज द कीवर्ड टू ओपन अ फाइल। सो व्हेनेवर यू वांट टू ओपन एनी टेक्स्ट फाइल दिस इज द कीवर्ड। तो आपको जब फाइल ओपन करनी है बच्चों दिस इज द कीवर्ड टू ओपन अ फाइल। देन आपके पास द नेक्स्ट इज दिस इज ऑफकोर्स आप लोग अब इतना तो सेंस रखते हैं, दिस इज नेम ऑफ फाइल, तो दिस इज नेम ऑफ फाइल। एंड द लास्ट थिंग बच्चों ये जो आपके पास होता है डॉट टी एक्स टी इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। तो एवरी टेक्स्ट फाइल इज हैविंग एक्सटेंशन ऑफ डॉट टी एक्स टी। ठीक है, हमेशा डॉट टी एक्स टी आपको हमेशा मेंशन करना है। और बच्चों फॉर भी एक कीवर्ड है, आखिरी आता है हमारे पास राइट। तो ये राइट होता है आपके पास मोड ऑफ ऑपरेशन, या आपको मोड बताते हैं भाई किस मोड में आप लोग को काम करना है। तो दिस इज मोड ऑफ ऑपरेशन। अब बच्चों देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस, देर आर थ्री रीजंस दैट वी कैन ओपन अ टेक्स्ट फाइल। हमारे पास तीन रीजन है हम टेक्स्ट फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग को तीनों रीजन बिल्कुल क्लियरली पता होने चाहिए, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, टाइप्स ऑफ, वी कैन से मोड्स, और यू कैन से टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस दैट अ टेक्स्ट फाइल कैन परफॉर्म। नंबर वन, सो नंबर वन वी कैन गो विद राइट। तो बच्चों अगर मैंने फाइल को ओपन करा है फॉर राइट, दिस मींस वी यूज दिस पॉइंट फॉर क्रिएटिंग अ न्यू टेक्स्ट फाइल। सो व्हेनेवर यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल वी ऑलवेज गो विद राइट। जब भी बच्चों आप लोगों को एक नई फाइल क्रिएट करनी होगी वी ऑलवेज गो विद राइट। अब बच्चों हुआ ये कि एक फाइल आपके पास पहले से आपके फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट करती थी, आपने क्या किया उसको राइट क्लिक ओपन कर लिया। तो ये भी नोट कर ले, इफ वी ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल ऑल प्रीवियस डेटा is erased. So you need to be very cautious about this. अगर कोई existing file है आपने उसको right key open कर लिया, previous data क्या होगा, सारा गया। अब आप जो लिखोगे वही नया data है, पुराना data सारा आपका चला जाएगा। तो you need to be very cautious when you are opening a file. अगर examiner लिखता है new file create करनी है फिर write करोगे, अगर examiner बोलते हैं एक existing file को open करो तो बच्चों देयर इज डिफरेंट वर्ड फॉर दैट, बात करते हैं उसके ऊपर। अनदर मोड बच्चों, दिस वाज द फर्स्ट मोड ऑफ ऑपरेशन। द नेक्स्ट मोड इज कॉल्ड वी कैन ओपन अ फाइल फॉर रीड, वी कैन ओपन अ फाइल फॉर रीड, एंड व्हेन वी ओपन अ फाइल फॉर रीड सो ओपन एंड existing file for read, yeah for reading लिख देता हूँ ज्यादा अच्छा लगेगा। open
an existing file for reading. अब there can be a case, एक केस हो सकता है आप एक फाइल ओपन करने जाएं, एग्जिस्टिंग ना करती हो, क्या होगा? एरर, थैंक यू सुल्तान. सो इफ फाइल, इफ फाइल, थोड़ा सा देखो आप लोग अभी हल्के डोमेन में बात कर रहे हैं, मतलब सूडो कोड में बात कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा हल्का आप लोग, जब हम P4 में प्रोग्रामिंग करी ना, फिर मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखा दूंगा ये सारी चीजें. अभी मैं प्रैक्टिकली थोड़ा सा बाउंड हूं बिकॉज सूडो कोड में वी कैन नॉट अप्लाई दिस प्रैक्टिकली. तो P4 में मैं प्रैक्टिकली जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ. एक फोल्डर में फाइल ओपन करता और वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, आपको फॉरन मैसेज आ जाता भाई तो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट. इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट तो बच्चों देन वी आर हैविंग एन एरर मैसेज. द थर्ड ऑपरेशन दैट वी हैव, दिस इज द थर्ड ऑपरेशन बच्चों, द थर्ड मोड इज कॉल्ड वी कैन ओपन अ टेक्स्ट फाइल फॉर अपेंड. तो बच्चों अपेंड के लिए आप लोग क्यों ओपन करते हो? तो अपेंड के लिए हम लोग ओपन करते हैं एडिंग डेटा इन एन एग्जिस्टिंग फाइल. तो इफ यू वॉन्ट टू एड डेटा इन एन एग्जिस्टिंग फाइल तो हम कौन सा ऑपरेशन करेंगे अप्लाई? अपेंड के लिए ओपन करेंगे. अब अपेंड के अंदर भी आप लोग को एक बात याद रखनी है. सर क्या बात है वो भाई? तो बच्चों देखो, अगर ये मेरी टेक्स्ट फाइल है, ये मेरे पास डेटा स्टोर है फाइल के अंदर, डेटा, दिस इज माय डेटा, डेटा, डेटा. अब दिस वाज माय न्यू डेटा, ये मेरा नया डेटा था. तो जब मैं अपेंड करूंगा तो दिस डेटा विल बी ऑलवेज एडिट, दिस डेटा विल बी ऑलवेज एडिट एट द बॉटम ऑफ द फाइल. आप लोग बीच में स्टार्टिंग में कहीं और डेटा एड नहीं कर सकते. सो टेक्स्ट फाइल के साथ ये प्रॉब्लम है भाई. आपके पास आप डेटा रीडिंग करेंगे सिक्वेंशियली, आप डेटा राइटिंग करेंगे सिक्वेंशियली. देयर इज नो थर्ड ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन अवेलेबल. ठीक है, तो हमने ये बात भी नोट करी, डेटा इज ऑलवेज एडिट एट द बॉटम ऑफ The text file. तो आपके text file के bottom में हमेशा क्या किया जाएगा? Data को add किया जाएगा. और ये वाली बात भी बच्चों note कर लें, ये बात भी important बात है बहुत. ये छोटे छोटे points है, बस 3-4 points है, अपने mind में रखना आप लोगों ने इन points को. तो this is a note for yourself and the note is reading and writing. Reading and writing is always performed, is always performed sequentially. So reading karni ho bhai, writing karni ho, we are going to perform it sequentially. Ek aur baat bachcho note kar le, reading karni ho, writing karni ho, the data type is fixed. तो टेक्स्ट फाइल के साथ आप लोग जब भी डील करेंगे डेटा टाइप आप लोग की फिक्स्ड है एंड दैट डेटा टाइप इज स्ट्रिंग. तो भाई आपको रीडिंग करनी है स्ट्रिंग, राइटिंग करनी है स्ट्रिंग, तो ये आपकी डेटा टाइप बच्चों फिक्स रहती है व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद द टेक्स्ट फाइल्स. तो मैंने आप लोग को तीन चीजें बता दी भाई. अगर आप लोग को नई फाइल ओपन करनी है वी विल बी गोइंग विद राइट. अगर आपने एक एग्जिस्टिंग फाइल को राइट के लिए ओपन कर दिया, ऑल प्रीवियस डेटा इज इरेज्ड. अगर आपने एक एग्जिस्टिंग फाइल को बच्चों ओपन करा तो दैट विल बी फॉर रीडिंग पर्पस, तो आप रीड के लिए ओपन करेंगे. अगर बच्चों फाइल एग्जिस्ट नहीं करती क्या होगा? एरर. एंड बच्चों अगर आप अपेंड के लिए ओपन करते हैं तो दैट इज एडिंग डेटा इन एन एग्जिस्टिंग फाइल एंड डेटा विल बी ऑलवेज एडेड एट द बॉटम ऑफ द टेक्स्ट फाइल. So these are the three modes of operations that
we are going to use in text files. करेंगे edit, अलग method है. एक और file खोलेंगे सामने बराबर में, सारा data copy करते रहेंगे. जहां पे आपको edit करना होगा वो ले लेंगे. क्या करेंगे हम, सिर्फ copy नहीं करेंगे उसको, edited version उसका copy कर देंगे. सिर्फ स्ट्रिंग के साथ डील कर सकते हैं, नथिंग एल्स. ठीक है ना बच्चों, मूविंग फॉरवर्ड. अब मैं बात करता हूं, यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट फाइल्स के अंदर तीन फंक्शंस हैं. कितनी स्टेटमेंट है? तीन स्टेटमेंट है बस. उसके बाद टेक्स्ट फाइल्स की थ्योरी कंप्लीट है, फिर क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे. तो बच्चों पहला फंक्शन, दिस इज कॉल्ड ई ओ एफ. क्या कहलाता है ये? ई ओ एफ. और यहां पे आपके पास आ जाता है फाइल का नाम आ जाता है. देखो टेक्स्ट फाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एनीवन, कोई बच्चा इसकी फुल फॉर्म बता सकता है? ईओएफ, टेक्स्ट फाइल्स के साथ डील कर रहे हैं. ईओएफ फुल फॉर्म क्या होगी इसकी? एक्सटेंशन ऑफ फाइल. चलो कुछ तो बोला बच्चा, मतलब गैस कर दे कोई बात नहीं. ईओएफ एंड ऑफ फाइल. थैंक यू. तो बच्चों ईओएफ स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ फाइल. बच्चों ये एक फंक्शन है, लेकिन ये कैसा फंक्शन है? इट्स अ बूलियन फंक्शन. अगर ये बूलियन फंक्शन है सर, तो इसका मतलब इसके अंदर तो सिर्फ दो वैल्यूज आ सकती हैं. कौन कौन सी? या तो ट्रू या फिर फॉल्स आ सकता है. तो बच्चों बाय डिफॉल्ट its value is false. And जब आपकी फाइल एंड हो जाती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाती है. ठीक है, तो हमने ये पॉइंट भी नोट करा, when file ends the value becomes, the value becomes true. So it's a boolean function bacho. End of file, by default the value is false, or jab aapki file end hogi the value will become true. So this was bacho about the first aapke paas function. Aur aapka pehla function kya tha aapke paas? This was EOF, end of file. बताओ मैं पर्पस बेटा. वैसे तो नाम में जाहिर है कि इसका पर्पस क्या है, नाम में लिखा हुआ है इसका पर्पस क्या है. नाम अगर आप पढ़े तो पर्पस लिखा हुआ है इसका, फाइल का एंड डिफाइन करेगा. जब आपकी फाइल एंड हो जाएगी द वैल्यू विल बिकम ट्रू, वरना इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी आपके पास? द वैल्यू विल रिमेन फॉल्स. अच्छा जी, वी हैव लेट मी चेक, कोई ऑनलाइन क्वेश्चन तो नहीं आया भाई हमारे पास? फोर चैट्स सर. थर्ड पॉइंट मैं बिल्कुल आसान समझा देता हूँ. इन द ब्रैकेट्स डू वी हैव द पैरामीटर्स? यस वी आर हैविंग द पैरामीटर्स. फाइल नेम हम एज अ पैरामीटर डिफाइन करते हैं. एंड आजाम ने पहले बता दिया था कि सर दिस इज फॉर द परमानेंट स्टोरेज. थैंक यू आजाम. अदनान इज आस्किंग सर बूलियन ही क्यों होती है इसकी डेटा टाइप? बूलियन इसलिए होती है बिकॉज इट्स अ प्री डिफाइंड फंक्शन. ये बना बनाया फंक्शन है हमारे पास, हम इसको यूज करते हैं. जिसने बनाया होगा बैकएंड के ऊपर उसने बूलियन रखी होगी. आप बनाएगा आप कुछ और रख लेगा डेटा टाइप, ये आपके ऊपर है. ठीक है, और थर्ड पॉइंट, तो जब आप एक फाइल को ओपन करोगे ना, तो वो फाइल, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फाइल ओपन करी है, इसमें तीन लाइन है, तो अब क्या अभी क्या ये फाइल एंड हो गई है? नहीं सर, इसमें तो अभी तीन लाइन है. तो जब तक आप ये तीनों लाइने रीड नहीं कर लोगे इसकी वैल्यू फॉल्स रहेगी. जैसी आपने एक लाइन रीड करी, आपने सेकंड लाइन रीड करी, आपने थर्ड लाइन रीड कर ली, तो इसकी वैल्यू फॉल्स से क्या, अब फाइल फर्दर डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है, खत्म हो गई फाइल, तो देन द वैल्यू विल बिकम ट्रू. अब ये कैसे उसको पता चलेगा, क्या होगा, किस तरह अपडेट होगा, सब बात करेंगे अभी आज की क्लास में ही बात करेंगे. मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और. द नेक्स्ट फंक्शन बच्चों इज कॉल्ड रीड फाइल.
The next function, bachcho, is called read file. Bachcho, this function is used for reading a line. Reading a line from a text file. So if you want to read a line from a text file, we go with read file function. Read file statement. And there is another method, bachcho. This is called write file. So when we talk about write file, so bachcho, again you are having common sense. अगर read file reading के लिए use किया जा रहा है तो write file क्या करेगा? Write करेगा. Writing a line in a text file. लेकिन बच्चों इन दोनों के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. इन दोनों को अगर कंबाइन करके एक बात करना चाहूं तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट बात. मैंने क्या करा, देखो मैं आपके सामने पहले ड्रॉ करके दिखाऊंगा, वरना मजा नहीं आएगा आप लोग को. मैंने एक टेक्स्ट फाइल ड्रॉ करी और इस टेक्स्ट फाइल में मैंने डेटा भी इंसर्ट कर दिया. लेट्स से बच्चों द डेटा वॉज लबीद. कोई दूसरा बच्चा एज्यूम कर लो. लबीद ए वन सी वन. देयर वॉज अनदर डेटा बच्चों अनस ए वन जी वन. देयर वॉज अनदर डेटा बच्चों सना ए टू जी टू. देयर वॉज अनदर डेटा बच्चों लेट्स से खिजर ए टू जी वन. अब देखिए मैंने रीड फाइल परफॉर्म करा तो रीड फाइल क्या करेगा बच्चों, ये लाइन रीड करेगा और बस रीड कर लेगा. लेकिन रीड करने के साथ साथ इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है, एक इसकी फंक्शनैलिटी एक और है. ये बच्चों ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अब अगली लाइन में मूव ऑन कर जाएगा. फिर मैं वापस से अगर रीड फाइल लिखूंगा तो अब लबीद नहीं आएंगे मेरे पास, अब कौन आएगा, अनस आ जाएंगे. मैंने फिर रीड फाइल लिखा बच्चों, अब अनस नहीं आएंगे, अब कौन आ जाएगा, सना. बच्चों मैंने फिर रीड फाइल लिखा बच्चों, अब सना नहीं आएंगे, अब कौन आएगा, फिजर आ जाएंगे, एंड सो ऑन. तो ये रीड फाइल के फंक्शन के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शनैलिटी है कि ये ऑटोमेटिकली आपको अगली लाइन में मूव ऑन करवा देता है आपके परफॉर्मेंस स्टेटमेंट. सिमिलरली राइट फाइल का भी बच्चों यही करता है. अगर मैं डेटा राइट कर रहा हूँ, एक लाइन में डेटा राइट करा उसके बाद वो अगली लाइन में मूव कर जाएगा. फिर मैंने डेटा राइट करा फिर वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अगली लाइन में मूव ऑन कर जाएगा, एंड सो ऑन. सो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया बच्चों बोथ moves to the next line, both moves to the next line after performing the function. तो अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद ये दोनों क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली अगली लाइन पे बच्चों मूव ऑन कर जाते हैं. नाउ आई थिंक वी आर हैविंग इनफ टॉकिंग अबाउट द थियोरेटिकल स्टफ. लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. बस टेक्स्ट फाइल में बातें आप लोगों को यही सारी करनी थी. एक रिकैप दे दूं जल्दी से, क्विक सा, रुक जाओ दो मिनट. टेक्स्ट फाइल बच्चों कर लो सवाल पहले. परमानेंट स्टोरेज के लिए टेक्स्ट फाइल्स का बच्चों ये आपका बेसिक फॉर्मेट है. और आपके पास तीन तरह के मोड है. राइट के लिए ओपन कब करते हैं आप लोग, जब आपको नई फाइल क्रिएट करनी है. और अगर आपने एक एग्जिस्टिंग फाइल को राइट के लिए ओपन कर दिया, प्रीवियस डेटा इज गॉन. रीडिंग करनी है, रीड के लिए ओपन करोगे. अगर आपने रीडिंग के लिए ओपन करी फाइल, एग्जिस्ट नहीं करती, एरर. डेटा ऐड करना है एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर बच्चों, देन अपेंड.
एंड डेटा हमेशा कहां पे ऐड होगा? बॉटम में. ईयूएफ बच्चों एक बिल्टिंग फंक्शन है. कैसा फंक्शन है? बूलियन. बाय डिफॉल्ट द वैल्यू इज, जब फाइल एंड हो जाएगी द वैल्यू विल बिकम ट्रू. एंड रीड फाइल एक लाइन रीड करेगा, राइट फाइल लाइन को राइट करेगा एक टेक्स्ट फाइल के अंदर. एंड दोनों क्या करते हैं ऑटोमेटिकली, ये फंक्शन परफॉर्म करने के बाद अगली लाइन पे क्या करेंगे, मूव ऑन कर जाएंगे. एग्जिस्टिंग फाइल में राइट फाइल का फंक्शन यूज कर सकते हैं? हां बिल्कुल करेंगे. राइट फाइल का फंक्शन यूज करेंगे तो बॉटम में ऐड करेगा. बिल्कुल हमेशा बॉटम में ऐड करेगा. लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों. लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज create a procedure called display. तो बच्चों आप लोग को एक प्रोसीजर बनाना है, उसका नाम क्या होगा? डिस्प्ले. आउटपुट ऑल द लाइंस फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल कॉल्ड मैक cs.txt and this is your file mac cs.txt. before I move forward, I have a question from you people. I think Anas is the right person to answer this question. Anas, mac cs.txt, how many lines does this file contain? कितनी लाइन इस फाइल के अंदर? लबीत कितनी लाइन है इसके अंदर? जबरदस्त. पता है आप मैं तारीफ कब करता हूं? जबरदस्त एक्सीलेंट. तो बच्चों अनस ने पहले सही जवाब दे दिया था, फिर वो पता नहीं क्या हुआ उन्हें अचानक से फिर गलत जवाब दे दिया. तो बच्चों आफ्टर लुकिंग, मतलब एक फाइल को देखने के बाद आप नहीं बता सकते उसके अंदर कितनी लाइंस होंगी. फाइल का नाम रीड करके, उसका साइज रीड करके आप नहीं बता सकते उस फाइल में कितनी लाइंस है, नहीं बता सकते. मैंने तभी डेलिबरेटली डॉट 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 लगा दिए थे भाई, नीचे कितनी भी लाइंस हो हमें क्या पता, हमें नहीं पता कितनी लाइंस है. तो हम लोग ये परसेप्शन के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, हमें नहीं पता ये फाइल के अंदर कितनी लाइंस हैं. अब बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन. अब बड़े बच्चों वाले सवाल है भाई, अगर आप लोग हेल्प करते रहेंगे मेरी तो आई वुड बी रियली हैप्पी. वी नीड टू क्रिएट अ प्रोसीजर. प्रोसीजर का कीवर्ड प्लीज. हाँ प्रोसीजर फंक्शन मत बोल देगा. फंक्शन का फंक्शन होता है, प्रोसीजर प्रोसीजर होता है. तो बच्चों द कीवर्ड फॉर द प्रोसीजर इज प्रोसीजर. प्रोसीजर हल्के हल्के डिक्लेयर भी करेंगे. प्रोसीजर द नेम ऑफ द प्रोसीजर इज लिखा हुआ क्वेश्चन में. बच्चों को इल्म दे. लिखा हुआ द नेम ऑफ द प्रोसीजर इज डिस्प्ले. इन ब्रैकेट्स के अंदर बच्चों क्या आता है? पी से नाम आता है. पी से इन ब्रैकेट्स में क्या आते हैं? पैरामीटर्स आते हैं. पैरामीटर्स बच्चों दो टाइप्स के होते हैं, या तो बाय वेल या फिर बाय रैम. बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बाय वेल. बाय वेल का मतलब आपकी जो पैरामीटर की वैल्यू के अंदर चेंजेस होंगी वो टेम्पररी होंगी, और बाय रैम अगर आप लोगों ने डिफाइन किया दोस चेंजेस विल बी परमानेंट. ठीक है, छोटी छोटी बातें रीकैप करवाता रहूंगा मैं साथ साथ. अब इस क्वेश्चन के अंदर पैरामीटर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उसे स्किप कर देंगे. आगे बढ़ो बच्चों में यहाँ पे. आगे बढ़ो में यहाँ पे. And let's talk about अब मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा. डिक्लेयर लाइन एंड आई केप द डेटा टाइप एज स्ट्रिंग.
voice, sorry, a fun string. Why I'm going with a string? Why I'm going with a string? ये लग रहा है क्रैक ना मेरी वजह से आया दीवार के अंदर सर मारूंगा अपने स्ट्रिंग डे टाइम सब क्यों जा रहे हैं टेक्स्ट वाइज डेली स्ट्रिंग के अंदर करती है सर तभी आपको रीडिंग करनी है स्ट्रिंग आपको राइटिंग करनी है स्ट्रिंग दैट्स व्हाई ये आंसर होना चाहिए हमें नहीं पता कितनी लाइन उसके लिए तो अलग चीज है अलग अभी बात करेंगे उसके ऊपर यहां तक ऑल गुड अब बच्चों फाइल ओपन कर लेता हूं मुझे बच्चों ये वाली फाइल ओपन करनी है मैं इसको ओपन क्यों मुझे डिस्प्ले करवानी है मैं इसको ओपन क्यों करूंगा रीडिंग के लिए राइटिंग के लिए अपेंड के लिए रीडिंग के लिए कॉमन सेंस यूज करें हर चीज आपकी जिंदगी में आसान रहेगी ओपन फाइल भाई फाइल का नाम क्या था मैक cs.txt एंड आई नीड टू ओपन दिस फाइल फॉर रीड एंड आई थिंक वी आर गुड अब बच्चों मैं एक वर्ड लिखने जा रहा हूं और ये वर्ड देखते ही सुल्तान के चेहरे पे बच्चों खुशी आ जाएगी और मैंने बच्चों ये लिखा वाइल जी सुल्तान ये वाइल लूप एंड कब होता है जब कंडीशन ट्रू है या फॉल्स एक्सीलेंट तो सही बताए तो बच्चों ये आपका वाइल लूप एंड होता है व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स सही बताया बिल्कुल हमने अभी एक फंक्शन पढ़ा था बिल्ट इन ईओएफ उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी फॉल्स तो अगर बच्चों मैं यहाँ पे ईओएफ लिख देता हूं तो मेरा प्रोग्राम मेरा ये लूप चलने से पहले ही क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा कि व्हाइल लूप फॉल्स में एंड होता है उसकी भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है फॉल्स चलने से पहले एंड हो गया तो बच्चों अब मैं क्या करूं तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक लगाई यहाँ पे एंड दैट ट्रिक वॉज मैंने बोल दिया भाई व्हाई नॉट End of file and which file? mac cs.txt. अब बच्चों इस लाइन के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करूंगा मैं हाँ देखो बाय डिफॉल्ट एंड ऑफ फाइल की वैल्यू क्या है फॉल्स इसकी वैल्यू क्या है फॉल्स फॉल्स क्या अभी मैंने क्या लगा दिया नॉट क्या हुई वैल्यू ट्रू अब मेरा लूप चलता रहेगा मैं लाइन डिस्प्ले करवाता रहूंगा जैसी मेरी फाइल एंड होगी इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी ट्रू के आगे मैंने क्या लगा दिया नॉट तो बच्चों कंडीशन क्या हो जाएगी और मेरा लूप क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा तो दैट्स द लॉजिक ठीक है तो जैसी बच्चों मेरी फाइल एंड होगी इस फंक्शन की वैल्यू होगी ट्रू ट्रू के आगे मैंने नॉट लगा हुआ कंडीशन फॉल्स हुई While loop end होता है सर, when the condition is false, तो मेरा loop end हो जाएगा। अब बच्चों आगे जितनी भी हम लोग क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे तकरीबन 80-90% ऑफ द टेक्स्ट फाइल क्वेश्चंस के अंदर ये स्टेटमेंट आपके पास आती ही आती है ठीक है तो ये स्टेटमेंट करती क्या है भाई एक फाइल से रीडिंग करती रहेगी जब तक फाइल एंड ना हो जाए तो ये स्टेटमेंट का मेन काम ये कोई क्वेश्चन था तुम्हारा ठीक है अब बच्चों अब मैं फाइल के अंदर आ गया अब मुझे पहली लाइन रीड करनी है आप लोग को पता है भाई लाइन रीड करने की स्टेटमेंट क्या है ऊपर लिखी हम लोगों ने लाइन रीड करने की स्टेटमेंट क्या है सिर्फ रीड तो नहीं है देख के बताओ अभी तो लिखी है रीड फाइल तो बच्चों द स्ट्रक्चर इज रीड फाइल विच फाइल वी वॉन्ट टू रीड सर मैक सीएस .txt हमें रीड करनी है और जो भी आपको रीड करना है आपने क्या करा लाइन के अंदर स्टोर कर दिया तो बच्चों ये स्टेटमेंट क्या करेगी ये स्टेटमेंट आपकी पहली लाइन को यहां से पिक करेगी और पिक करने के बाद पूरी लाइन को पिक करने के बाद बच्चों पूरी लाइन को ये स्टोर करवा देगी किसके अंदर वेरिएबल के अंदर लाइन के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बॉस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी डिस्प्ले ऑल अब क्या करूं मैंने पूरी लाइन उठा ली है वेरिएबल में स्टोर कर दी अब क्या करूं आउटपुट तो बच्चों मैंने बोला भाई आउटपुट लाइन और यहीं पे मैंने बच्चों क्या करा लगा दिया एंड वाइल अभी एज्यूम कर ले हमारी फाइल में चार लाइन
एंड वाइल बच्चों मुझे लेके गया टूवर्ड्स वाइल, क्या मेरी ये फाइल एंड हो गई? क्या मेरी फाइल एंड हो गई? नहीं। अब बच्चों अब अगेन रीड फाइल का फंक्शन आया। अब बच्चों मैं कौन सी फाइल रीड करूंगा, कौन सी लाइन रीड करूंगा? क्यों, मैंने तो यहाँ पे कोई ऐसी स्टेटमेंट तो लिखी नहीं है कि मैं अगली लाइन पे मूव करूं। तो बच्चों ये ऑटोमेटिकली क्या होता है आपके पास, अगली लाइन पे मूव हो जाता है। अब जो मैं वापस से रीड फाइल करूंगा तो अब क्या आएंगे मेरे पास, अनस आ गए। अनस को मैंने कहां पे स्टोर करा, लाइन के अंदर। और बच्चों वो लाइन मैंने क्या करवा दी, डिस्प्ले करवा दी। वापस से ऊपर गया एंड वाइल, क्या मेरी फाइल एंड हो गई? नहीं। तो बच्चों अब मैंने थर्ड लाइन पिक करी सना, तो बच्चों ये मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी लाइन के अंदर, ये वैल्यू बच्चों मैंने डिस्प्ले करवा दी आउटपुट। ऊपर गया, क्या मेरी फाइल एंड हो गई? नहीं। बच्चों फिर मैं आया यहाँ पे अगेन रीड फाइल। अब बच्चों मैंने खिजर को पिक करा, मैंने लाइन में स्टोर करवाया, डिस्प्ले करवाया। अब बच्चों मैं ऊपर गया, क्या मेरी फाइल एंड हो गई? तो सर बिल्कुल, अब मेरी फाइल एंड हो गई। द वैल्यू ऑफ ईओएफ विल बिकम ट्रू। ट्रू के आगे क्या लगाया हुआ, नॉट, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। और मेरा लूप क्या हो जाएगा, एंड। जब मेरा लूप एंड हुआ बच्चों, तो जिंदगी में एक बात याद रखिएगा आप लोग, कोई भी चीज अगर आप लोग ओपन करते बच्चों, आपको उसको क्या करना चाहिए, क्लोज करना चाहिए। घर में भी आप लोग की डांट पड़ती होगी, दरवाजा खोला, खोल के चले गए, पीछे से आवाज आती है फिर भाई बंद करो। तो बच्चों कोई भी चीज ओपन करे उसको क्लोज करना है। तो मैं अब क्या चीज, एक्सीलेंट अनस। तो बच्चों अनस ने वही काम किया जिसकी वजह से अम्मी डांटती है, तुमने तुमने एक चीज और ओपन करी हुई है, देखो फाइल, ओपन फाइल। तो बच्चों पहले फाइल क्लोज करेंगे फिर प्रोसीजर क्लोज करेंगे। तो मैंने यहां पे लिखवाया भाई, फाइल को क्लोज कैसे करते हैं, क्लोज फाइल मैक cs.txt, और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, एंड एंड प्रोसीजर, यहीं पे मैंने क्या कर दिया बच्चों, एंड प्रोसीजर, एंड वी आर डन विद आवर फर्स्ट कोड। तो बच्चों ये कोड क्या कर रहा था, ये एक टेक्स्ट फाइल से जितना भी उसके अंदर डेटा हो वो सारा डिस्प्ले कर रहा था। करंटली सुल्तान इस फाइल में कितना डेटा था, कितनी लाइंस थी, 4। अगर आपके पास 400 लाइन आ जाए सेम कोड विल बी यूज्ड, अगर आपके पास 4000 लाइन आ जाए सेम कोड विल बी यूज्ड, अगर आपकी फाइल के अंदर 400000 लाइंस आ जाए सेम कोड विल बी यूज्ड, अगर आपकी फाइल के अंदर 4 करोड़ लाइन आ जाए सेम कोड विल बी यूज्ड। क्वेश्चन, ये सेंटेक्स तो बेटा कैम्ब्रिज ने बनाया, मैं इसको चीजें नहीं कर सकता। अगर मुझे सेंटेक्स बनाता तो मैं तो कुछ और ही बनाता, शायद पाइथन का सेंटेक्स ही कुछ छोटा मोटा सा आसान सा बना देता, लेकिन ये सेंटेक्स आपको यही फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने सवाल किया था कॉलेज के अंदर, अच्छा सवाल था। उसने बोला सर अगर मैं फाइल क्लोज ना करूं फिर क्या होगा? तो मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा बेटा कुछ भी नहीं होगा, एग्जामिनर 2 नंबर माइनस कर देगा आपके, बस सिर्फ ये होगा, ठीक है। सवाल अगर इस टाइप का आता है 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 9, 8। एक क्वेश्चन और करेंगे अभी। अच्छा अच्छा, आई थॉट तुमने क्लोज फाइल, क्लोज क्लोज सुन के तुमने बोला क्लोज कॉपी भी कर दो। तो फैजान मैं समझा देता हूं बेटा, 2 मिनट दे, मैं ऑनलाइन क्वेश्चन देख लू जरा, मुश्तबा सर वाइल लूप वाली बात फिर समझा दे, एंड सर आई थिंक सब वाइल लूप वाली बात के ऊपर ही वापस से स्टिक है, वापस से समझा देता हूं। देखो बच्चों वाइल लूप एंड होता है जब कंडीशन क्या हो आपकी, फॉल्स। ये जो आपका बिल्ट इन फंक्शन है ईओएफ, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, फॉल्स। अब जब मैंने फॉल्स के आगे नॉट लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये ट्रू बन गया। अब मेरा लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जैसी मेरी फाइल एंड होगी इस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी ट्रू। मैंने ट्रू के आगे लगा दिया नॉट तो ये क्या बन जाएगा, फॉल्स। और वाइल लूप फॉल्स के ऊपर क्या होता है, एंड हो जाता है। सो दिस इज द लॉजिक दैट वी हैव अप्लाइड। आई होप जो बच्चों ने ऑनलाइन सवाल किया था उनको ये लॉजिक क्लियर हो गई होगी। लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिर क्लास एंड करेंगे बच्चों, एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर लास्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज क्वेश्चन। और क्या बोलूं भाई, क्वेश्चन ही है या और क्या है। तो बच्चों यू नीड टू क्रिएट
create a new text file called bunkers.txt. Store your name in one line. Store your father's contact number in another line. That's it. That's the question. आप लोग को बच्चों क्या करना है, एक नई टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है, न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है. टेक्स्ट फाइल का नाम बता दिया bunkers.txt. एक लाइन के अंदर आपको अपना नाम स्टोर करना है और अनदर लाइन के अंदर आपको क्या स्टोर करना है, अपने फादर का कॉन्टेक्ट नंबर स्टोर करना है. ठीक है भाई, क्वेश्चन क्लियर है. अब बच्चों आप लोग बताए, कोई भी बच्चा बता सकता है. आई वुड बी रियली हैप्पी मैं यहाँ पे फंक्शन बनाऊं या प्रोसीजर बनाऊं. Should I go with function or should I go with again procedure के साथ जाऊं? Excellent सुल्तान बेटा, जबरदस्त. तो बच्चों आप लोगों ने देखा ही नहीं, यहां पे लिखा हुआ था बिल्कुल साफ साफ के क्रिएट अ प्रोसीजर. आप लोगों को नजर ही नहीं आ रहा लिखा हुआ, ये देखे लिखा हुआ था यहां पे, आपने देखा ही नहीं है ना. सुल्तान ने देख लिया सर, यहां लिखा हुआ था कि क्रिएट अ प्रोसीजर. तो बच्चों जब लिखा हुआ नहीं है कि फंक्शन बनाना है, जब लिखा हुआ नहीं है प्रोसीजर बनाना है, तो अपनी तरफ से आपको कोई चीज बनाने की जरूरत नहीं है. जब नहीं लिखा हुआ, सिंपल कोड है भाई, परफॉर्म करो खत्म. ठीक है, तो अपनी तरफ से कोई फंक्शन या प्रोसीजर बनाने की जरूरत नहीं होती आपको. मैंने यहां पर क्या करा, डिक्लेयर करे वेरिएबल्स डायरेक्टली, डिक्लेयर नेम और कॉन्टेक्ट के अंदर कर देते कॉन्टेक्ट एफ. फादर पूरा करेंगे तो बहुत बड़ा वेरिएबल का नाम हो जाएगा. कॉन्टेक्ट एफ एंड द डेटा टाइप बच्चों विल बी स्ट्रिंग. जी अफान, स्ट्रिंग क्यों लिखा है? इसी में होता है सारा. टेक्स्ट फाइल स्ट्रिंग के अंदर डील करती है. बच्चों मैंने फाइल ओपन कर ली, एक नई फाइल ओपन करनी है और लबीद बताएंगे हमें मूड ऑफ ऑपरेशन कि मैं इसको ओपन क्यों करूं, फॉर रीड राइट या अपेंड. लबीद मैं फोर तक पहुंच गया हूं, यू आर लेट. राइट, एक्सीलेंट. सो व्हेनेवर यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल वी ऑलवेज गो विद राइट. फाइल ओपन हो गई. बच्चों आप लोग अपना नाम स्टोर करवा दें. नेम इज इक्वल्स टू, आप लोग अपना नाम लिखेगा यहां पे. मैं अपना नाम नहीं लिख सकता बिकॉज फाइल का नाम थोड़ा अजीब सा है, लेकिन आप लोग अपना नाम लिखिएगा. और कॉन्टेक्ट के अंदर बच्चों मैंने बता दिया, आप लोग अपना नंबर दे देगा यहाँ पे. नहीं भाई ऐसा सवाल नहीं आएगा तुम्हें, ये मेरे अपने क्वेश्चंस हैं, ये मैं इसलिए क्वेश्चंस करा रहा हूँ ताकि आप लोग अगर चैट जीडीपी पे सर्च करें तो ये आपको ना मिले. ठीक है, तो 0900 किसी को पता है ये नंबर क्या है? तो आप को बता, आप तो इसका मतलब बहुत पुराने नई जनरेशन को तो नहीं पता ये. अच्छा, सो खैर, तो बच्चों ये मुझे दोनों चीजें फाइल में राइट करवानी है. द स्टेटमेंट इज राइट फाइल, कौन सी फाइल, बंकर्स डॉट टीएक्सटी, और पहले क्या राइट करवाना है, नेम. और उसने रिक्वेस्ट करी थी कि कॉन्टेक्ट अनदर लाइन में स्टोर करवाना. तो बच्चों मैं वापस से यूज करूंगा राइट फाइल बंकर्स डॉट टीएक्सटी, और यहां पे मैंने स्टोर करवा दिया बच्चों कॉन्टेक्ट. और आखिरी चीज एक करनी है, दैट इज एंड फाइल तो नहीं करते, क्या लिखते, क्लोज फाइल. यूएफ ना कर देना भाई, क्लोज फाइल. तो क्लोज
फाइल एंड विच फाइल वी नीड टू क्लोज bunkers.txt एंड वी आर डन बच्चों विद अनदर कोड. हम लोगों ने यहाँ पे एक और कोड क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया. तो बच्चों टुडे वाज द फर्स्ट सेशन फॉर द टेक्स्ट फाइल्स. कल की क्लास के अंदर हम लोग को 3 क्वेश्चंस परफॉर्म करने ऑन टेक्स्ट फाइल्स. कल भी अभी मैं आप लोग को पास पेपर्स स्टार्ट नहीं करवाऊंगा. सैटरडे वाली क्लास के अंदर मैं आप लोग को पहला पास पेपर का क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊंगा. ठीक है, तो आज इसको अभी तक होल्ड करेंगे. लेट मी चेक, कोई ऑनलाइन तो क्वेश्चन नहीं आएगा भाई हमारे पास. प्रोसीजर फर्स्ट स्लाइड दिखा दे फैजान, आई विल शेयर द पीडीएफ बेटा. एंड आई थिंक वी आर गुड. तो बच्चों आज इसको यहीं तक होल्ड करेंगे. इंशाल्लाह तआला आगे फर्दर कैरी ऑन करते. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड स्टे सेफ.